हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कमल यादव आज आपके लिए लेके आऊँ टाटा टिगोर। तो दोस्तों, इस गाड़ी में जो है आपको 6 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, XE, XM, XZ, XZ प्लस और XM ऑटोमेटिक और XZ ऑटोमेटिक। अगर बात करें इसके प्राइस की तो 5.60 लाख अप्रोक्स से एक्स शोरूम से शुरू होती है गाड़ी, और टॉप एंड वेरियंट जो है वो लगभग 7,70,000 रुपये तक गाड़ी का जाता है। अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की तो ऑन रोड प्राइस जो है, आप जो वारंटी देख रहे हैं ये XZA+ है, यानी कि ऑटोमेटिक है। इसका प्राइस जो है 8,70,000 रुपये ऑन रोड प्राइस गुड़गांव का है। अगर आपको अपनी सिटी का जानना हो तो आप कमेंट में अपनी सिटी का नाम बताइए, हम आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले गाड़ी की चाबी से। गाड़ी की चाबी आपको लगभग कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 4 बटन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, ये आपको फॉलो मी हेडलैम्प मिल जाते हैं, और साथ के साथ आप अगर इसको होल्ड करके रखोगे तो आपका जो है बूट अनलॉक हो जाएगा। तो बात करें अगर हम फ्रंट के डिज़ाइन की, तो फ्रंट का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बीच में आपको जो है टाटा का लोगो मिल जाता है, और आपको ये टीरी एरो पैटर्न मिल जाता है फ्रंट की ग्रिल में, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। क्रोम का टच मिल जाता है नीचे भी, और ये देखिए आप ऊपर भी 170 mm का जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इस सेगमेंट में लगभग हर गाड़ी का 170 मिलता है, लेकिन फोर्ड एस्पायर का जो है वो 174 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट हेडलाइट्स की अगर बात करें तो आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए आपको हेलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है। नीचे आपको जो है DRLs मिल जाते हैं, और फोग लैम्प जो है वो आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। बात करें अगर साइड के प्रोफाइल की, तो साइड का प्रोफाइल कुछ ऐसा आपको मिल जाता है, कुछ कुछ जो है कोप डिज़ाइन मिलता है। साइड से देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और बात करें अगर हम टायर साइज़ की, तो आपको डबल कलर डायमंड का टैलोय व्हील्स मिल जाते हैं। और बात करें अगर हम टायर के साइज़ की, तो आपको 175/60R15 जो है टायर साइज़ मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा ठीक ठाक सा टायर साइज़ है। साइड में जो है आपको क्रोम की एक लाइन मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और डोर हैंडल्स पर भी जो है आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है, जो शानदार लगती है। मतलब पूरे डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में नहीं मिलते, यहाँ पर सिर्फ टचअप मिलता है आपको क्रोम का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, सिर्फ आपको जो है ड्राइवर वाली साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। ओवर व्हीम्स की अगर हम बात करें, तो आपको LED टर्न इंडिकेटर ओवर व्हीम पर मिल जाते हैं, और आपको पियानो ब्लैक फिनिश में जो है ओवर व्हीम मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड ओवर व्हीम आपको नहीं मिलते, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। बात करें अगर हम पीछे के प्रोफाइल की, तो फ्यूल टैंक आपको इधर मिल जाता है, 35 लीटर जो है पेट्रोल फ्यूल की कैपेसिटी है इस आपके टैंक की। पीछे का प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, जो कि ठीक लगता है, मतलब ज़्यादा सुंदर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे काट दिया हो पीछे से। टाटा का लोगो आपको बीच में मिलेगा, एक क्रोम ग्रिल मिलेगी पीछे, उसी में इंटीग्रेटेड जो है आपको कैमरा मिलता है। तो टिगोर की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, और कुछ ऐसे दिखने वाले टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, LED टेल लैंप प्लस में हेलोजन बल्ब्स के पूरे सेटअप के साथ जो है आपको बैकलाइट मिलती है, जो देखने में अच्छी लगती है, और रात में भी जो है विजिबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर बूट की बात करें, तो आपको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बटन मिल जाता है, और 2 LED लाइट्स आपको मिल जाती है आपकी नंबर प्लेट्स के लिए, और फर्स्ट इन सेगमेंट आपको जो है हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 20 सेगमेंट की गाड़ियों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। 419 लीटर का बूट स्पेस आपको, मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है। होंडा अमेज का भी लगभग 420 लीटर का बूट स्पेस है। अगर बात करें हम स्टेपनी व्हील की, तो आपको 13 इंच का जो है स्टेपनी व्हील मिलता है, 155/80R13। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि 2 इंच जो है छोटा आपको स्पेयर व्हील मिलता है, और यहाँ पर आपको जो है आपका टूल किट मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छे से प्लेस किया गया है, जो कभी भी दशकियों में आवाज़ वगैरह कुछ नहीं करेगा। एक बूट लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है, हल्की सी वायरिंग देखिए आप यहाँ पर, थोड़े सा क्वालिटी में हमें कमी नज़र आती है टिगोर में, बाकी सब बढ़िया क्वालिटी का है। इसको कर देते बंद। रियर लैंप आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आपको सिर्फ एक ही साइड मिलेगा, और रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर बम्पर में नीचे की तरफ भी एक क्रोम का टचअप दिया गया है, और ब्लैक फिनिश दी गई है, जो काफ़ी स्पोर्टी लुक बनाता है गाड़ी का। तो चलिए चलते हैं पीछे वाली सीट के ऊपर, वहाँ देखते हैं हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। तो लगभग
85 to 90 डिग्री जो है पिछले वाला दरवाज़ा ओपन हो जाता है, तो इनग्रेस और एग्रेस में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई भी लेदर सीट कवर्स आपको गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। वो आपको एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन आपको पूरी सीट जो है वो कवर्ड मिल जाती है साइड में भी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी तीन बंदे अगर बैठेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अंदर चलते हैं गाड़ी में। लेग रूम आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको मिल जाता है। नी रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई भी मैगजीन होल्डर आपको फ्रंट सीट्स में नहीं मिलेंगे। बम्प आपको जो है ठीक ठाक से साइज का मिल जाता है, लेकिन जो है तीन बंदे बैठने में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। एक बोतल होल्डर मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो टॉप एंड वेरिएंट में जो है आर्मरेस्ट की कमी रखी गई है गाड़ी में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट में, लेकिन आपको जो है ट्विटर मिल जाते हैं, चार और चार ही स्पीकर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है गाड़ी का। क्रोम फिनिश में आपका डोर ओपनर मिल जाता है और पावर विंडो आपको चारों मिल जाती है। लेकिन जो क्वालिटी है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े का यूज किया गया है जो ठीक लगता है। अगर बात करें हम रीडिंग लैंप की, तो आपको पूरी गाड़ी में एक ही रीडिंग लैंप मिलता है जो कि LED बेस्ड है, तो ये यहाँ पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है टाटा ने, अच्छा लगता है। डैशबोर्ड की बात करें तो आप डैशबोर्ड देख सकते हो, कुछ ऐसा मिलता है। तो बाकी की बातें हम चलते हैं आगे बैठ के करते हैं कि हमें क्या क्या मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। तो दरवाज़ा कुछ इतना खुलने वाला आपको मिल जाता है। अगर बात करें ड्राइवर साइड के दरवाजे पर फीचर्स की, तो आपको पियानो ब्लैक का टचअप यहाँ मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है डोर ओपनर में, ये भी बढ़िया लगता है, बढ़िया क्वालिटी का है। ORVMs को आप अपने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे करके आप ORVM को रिट्रैक्ट कर सकते हो, तो कोई ऐसा क्वालिटी वाइज कोई ऐसा इशू है नहीं यहाँ पर। पावर विंडोज़ के बटन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड की जो है विंडो वो आपको ऑटो डाउन, सिर्फ ऑटो डाउन के साथ ही मिलती है, बाकी तीनों जो है वो नॉर्मल पावर विंडो मिल जाती है। ये चाइल्ड पावर विंडोज़ के लॉक के लिए। एक लगभग हाफ लीटर की बोतल का स्पेस जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है, देखिए मेंशन भी किया हुआ है हाफ लीटर का। और यहाँ पर आप कुछ पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ दी गई है, और ट्विटर की प्लेसमेंट में अगर आपको दिखाऊं तो ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ की गई है खिड़की में। तो डैशबोर्ड जो है वो आपको अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसकी बात हम करते हैं अंदर चल के। ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आप हाइट एडजस्टेबल आपको मिलती है मैनुअली, कोई भी इलेक्ट्रिकली फीचर आपको एडजस्ट करने का नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो बात करें अगर हम स्टेयरिंग की, तो आपको डी कट शेप में जो है स्टेयरिंग मिल जाता है, लेकिन लेदर की रैपिंग आपको नहीं मिलेगी। हल्का सा रबड़ का टचअप आपको यहाँ पर मिलेगा। टाटा की बैजिंग यहाँ पर मिलती है। छोटा सा मुझे ऐसा देखने में थोड़ा सा हल्का सा छोटा स्टेयरिंग मिलता है। डबल पी का हॉर्न आपको मिल जाता है, और यहाँ से भी जो है आप हॉर्न को यूज कर सकते हो। इधर की साइड आपको जो है आपके मीडिया के रिलेटेड सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। 7 इंच का हारमन का आपको जो है म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इसकी बात मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा, पहले इधर की बात कर लूँ। कोई भी क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश का टचअप यहाँ मिलता है। अगर क्वालिटी वाइज देखें तो थोड़ा सा जो है मुझे कम लगता है ये स्टेयरिंग। और बात करें अगर हम इसके एडजस्टमेंट की, तो सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर बात करें इस साइड के स्टोक की, तो इधर आपको जो है आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलेगा। यहाँ से आप हेडलैम्प को कंट्रोल कर सकते हैं, और हेडलैम्प लेवलर भी जो है आपको यहीं मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें, तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, यही लगभग कुछ ऐसा ही आपको जो है नेक्सोन में देखने को मिलता है। इधर टैकोमीटर मिल जाएगा, ऊपर आपको टेम्परेचर का गेज मिल जाएगा, और फ्यूल गेज आपको देख सकते हैं, और MID है। MID में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो आपको बाहर का टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एवरेज दोनों ट्रिप्स की कितनी एवरेज दे रही है, टोटल ओडोमीटर, और आपकी रेंज, ये कुछ चीज़ें मिल जाती है आपको। और ये इधर आपका गियर इंडिकेटर भी जो है इसमें मिल जाएगा, टाइम यहाँ पर।
यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर क्रोम की सराउंडिंग्स दी गई है और कुछ कुछ पियानो ब्लैक का टचअप भी दिया गया है जो काफी अच्छा लगता है। हैजर्ड लैंप का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 7 इंच का आपको काफी पावरफुल म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो आपको मिलता है 8 स्पीकर के साथ, 4 ट्विटर और 4 जो है आपको मिल जाते हैं स्पीकर, और कुछ टच कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इनकी जगह अगर नोब्स हमें मिल जाते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता, हालांकि हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर नोब मिल जाते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके म्यूजिक सिस्टम की जो है वीडियो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो और वहाँ पे आके इसका ऑडियो सिस्टम सुनिए कैसा है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल जाता है वायर्ड, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और नीचे कुछ आपको बटन दिए गए हैं, ये खाली है शायद, इनमें पहले कुछ बटन आते थे, टाटा ने इसमें कॉस्ट कटिंग कर दी है। ये आपको फोग लैंप का बटन मिल जाता है, लॉक अनलॉक गाड़ी को, यहाँ से आप जो है अपने बूट को इलेक्ट्रिकली रिलीज कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में आपको यही एक गाड़ी है जो इलेक्ट्रिकली बूट खोलने के लिए आपको एक बटन देती है। नीचे आपको जो है ऑटोमेटिक एसी मिलता है, बीच में आप जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं है, एसी के कंट्रोल जो है आपको ऊपर आपकी डिस्प्ले में ही मिलेंगे। ये देखिए हम फैन की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं तो ये ऊपर ही मिलते हैं। ये एसी फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, और ये एयर इन आउट करने के लिए, और आपको हवा कहाँ पर देनी है उसके। नीचे आपको स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पॉइंट मिल जाता है, ऑक्स का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। एक पावर सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का, जिसका जो कवर है वो हल्का प्लास्टिक का, थोड़ा चीप लगता है क्वालिटी में, थोड़ा सा डीप स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। और ये आपको जो है 5 स्पीड नॉर्मल ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बढ़िया है, और थोड़ा सा क्रोम का टचअप इसके ऊपर मिल जाता है, हल्का सा इधर की साइड आपको रबड़ भी मिल जाता है। तो इसको आप मैनुअल मोड में भी लगा के आप मैनुअल भी गियर शिफ्ट कर सकते हो। इधर की साइड आते हैं तो आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ज़्यादा बड़े साइज के हैं नहीं, छोटे साइज के हैं। आपको जो है हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिलेगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ भी मिल जाता है। कोई भी आर्मरेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। अगर बात करें इनसाइड रियर व्यू मिरर की तो आपको डे एंड नाइट मोड के साथ मैनुअल ही मिलेगा। माइक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है एक छोटे से साइज का, कोई भी वैनिटी लाइट आपको नहीं मिलेगी। और जो है पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा स्पेस जो है इसमें बच जाता है। तो बाकी ये कुछ था अंदर। एक मैं आपको ग्लोव बॉक्स दिखाना भूल गया, ग्लोव बॉक्स को जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ऊपर आपको जो है एक टैबलेट होल्डर मिल जाता है, इसमें आप अपने मिड साइज के टैबलेट रख सकते हो, और कुछ ठीक ठाक से साइज के जो है आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, और कोल्ड ग्लोव बॉक्स का फीचर भी आपको मिलता है। मैं आपको दिखा दूँ एक हाथी की बैजिंग भी आपको, ये आप देख सकते हैं हाथी भी बने हुए, एक बड़ा हाथी, एक छोटा और फिर एक सबसे छोटा। तो बाकी ये सब कुछ था अंदर, तो चलिए चलते हैं बाहर। एक डेड पेडल आपको यहाँ मिल जाता है, कंप्लीट डेड पेडल तो है नहीं पर ठीक ठाक से साइज का है। यहाँ से जो है आप अपने बूट को ओपन कर सकते हो, देख सकते हो कुछ वायरिंग भी यहाँ पर निकली हुई है। तो चलिए हुड को कर लेते हैं हम ओपन। लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है जो कि पावर जनरेट करता है 84.48 पीएस की 6000 आरपीएम के ऊपर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। अगर एवरेज की बात करें तो एआरआई माइलेज इसकी 20.13 किलोमीटर की है, बाकी सिटी में जो है गाड़ी लगभग 12-13 की एवरेज देती है। तो अगर पावर फिगर्स की हम बात करें तो इस सेगमेंट में ये गाड़ी सबसे कम पावर जनरेट करती है 84.48 पीएस की, जब जहां होंडा अमेज और मारुति सुजुकी डिजायर वो जनरेट करती है 88.10 पीएस की पावर। इंसुलेशन के लिए देख सकते हैं आप कैसा काम किया गया है इंजन की, ज़्यादा नॉइस तो कैबिन में आती नहीं है, हालांकि 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ी सी जो नॉइस है वो आपको गाड़ी में अंदर फील हो जाती है। रबड़ का यूज भी यहाँ पर किया गया है और इंजन जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी भरा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये गाड़ी पसंद है या नहीं पसंद है, इस गाड़ी में आपको क्या कमी लगती है। वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप लोग अगर अपनी गाड़ी का भी रिव्यू देना चाहते हैं तो आप हमारे पास ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।